हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। और दोस्तों आज है मेरे पास में वीवो वाई 19, जी हाँ दोस्तों वीवो वाई 19 बैक साइड से आपको दिखाई दिया है। चलिए एक बार आपको सेटिंग में जाके इसी फ़ोन का मॉडल नंबर भी दिखा देते हैं, उसके बाद में सीधे इसमें करेंगे फ्री फायर का टेस्ट। देख लीजिएगा इसका मॉडल नंबर है वीवो 1915, तो मैंने आपको दिखाई दिया है। अगर बात करें मेरे पास ये कौन सा वेरियंट है, तो मेरे पास ये 4GB रैम और वहीं 128 इंटरनल स्टोरेज वाला वेरियंट है। चलिए मैंने फ्री फायर का कर दिया क्लिक और देखने वाले हैं फ्री फायर को कितनी देर में ओपन करने वाला है। और आपको बताने वाला हूँ आपको ये फ़ोन खरीदना है या नहीं खरीदना है, क्योंकि भाई इस फ़ोन का जो प्राइस है वो प्राइस काफ़ी हाई है और उस प्राइस के हिसाब से मुझे फ़ोन थोड़ा अच्छा नहीं लगा। लेकिन अगर आप फ्री फायर खेलोगे तो फ्री फायर के लिए कैसा होने वाला है वही मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरी देखना बिना स्किप किए। चलिए फ्री फायर स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे फोन कौन कौन से ग्राफिक्स को सपोर्ट करेगा। हालांकि मुझे पता तीनों ही ग्राफिक्स को सपोर्ट करेगा। चलिए सेटिंग पर क्लिक कर देते हैं। अब आपको डिस्प्ले पर क्लिक करनी होगी ग्राफिक्स देखने के लिए। चलिए ऊपर आपको मिल जाएंगे ग्राफिक्स, तो देख सकते हो स्मूथ स्टैंडर्ड अल्ट्रा तीनों ग्राफिक्स को सपोर्ट करेगा। तो आप इसमें किसी भी ग्राफिक्स पर फ्री फायर खेल सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो इस फोन का प्रोसेसर है वो मिनीटेक हीलियो P65 का प्रोसेसर आपको दिया गया है, जो कि फ्री फायर के लिए अच्छा प्रोसेसर है। मैं बेकार नहीं कहूँगा, फ्री फायर के लिए अच्छा प्रोसेसर है। लेकिन भाई जो इसका प्राइस है ना फोन का, वो 18,000 रुपये अमेजोन पर आप चेक कर सकते हो, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन पर। तो भाई 18,000 के हिसाब से ये प्रोसेसर मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर आप इसमें फ्री फायर से अलग पबजी खेलोगे या कॉल ऑफ ड्यूटी खेलोगे तो उस हिसाब से ये फ़ोन थोड़ा अच्छा नहीं है। अगर आप पबजी की वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल पर जा सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगी। मैंने 2 वीडियो पबजी की अपलोड कर दी है, जी हाँ दोस्तों BGMI की अपलोड कर दी है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हो। चलिए दोस्तों फ्री फायर में आगे देखेंगे कोई दिक्कत इसमें मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बताने वाले हैं इस फोन की बैटरी के बारे में। तो इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है। अगर बात करें बैटरी बैकअप की, तो भाई बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है। मैं जो चीज़ फ़ोन की अच्छी है वो आपको अच्छी बताता हूँ, और जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती मैं उसे आपसे साफ साफ बता देता हूँ, मुझे इस फ़ोन की ये बात अच्छी नहीं लगी। तो सीधी सी बात, इस फोन में आपको बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा दिया गया है। बैटरी चार्ज करने के लिए आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर भी मिल जाता है, जो आपके फ़ोन को काफ़ी फास्टली चार्ज कर देता है। लुक की बात करें तो फ़ोन की लुक भी काफ़ी ठीक ठाक है। तो ऑल ओवर अगर आप नॉर्मली यूज़ करते हो, सिर्फ आप फ्री फायर खेलते हो, तो भाई ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पास में है तो आप इस फ़ोन में फ्री फायर खेल सकते हो। अगर आपके पास में पहले से ही है, आपने खरीद लिया है, तो पबजी भी खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नया भाई इस फ़ोन को आप मत लेना। जी हाँ दोस्तों, नया अगर आप इस फ़ोन को लोगे तो भाई थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि भाई 18,000 में तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन मिल जाएंगे। भाई आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कितना बजट है, मैं आपको बताऊंगा भाई आपके बजट के हिसाब से ये वाला फ़ोन बेस्ट है, आप इस फ़ोन को ख़रीद लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। तो भाई आप कमेंट करिएगा। और दोस्तों आप मुझे बताइए आपके पास में कौन सा फ़ोन है जिसमें आप अभी गेमिंग करते हो, आप फ्री फायर खेलते हो, पबजी खेलते हो, वो भी आप मुझे एक बार बता सकते हो। अगर आप दोनों खेलते हो तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं दोनों की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। अगर आप फ्री फायर ही खेलते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, भाई मुझे इस फ़ोन का फ्री फायर टेस्ट वीडियो देखनी है। तो मैं कोशिश करूँगा आपके लिए जल्दी वीडियो ले आऊँ, वरना आपको कमेंट में बता दूँगा भाई इस वाले फ़ोन में फ्री फायर चलेगा या नहीं चलेगा। दोस्तों अभी भी आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर देता हूँ। और दोस्तों आपको मुझसे इंस्टाग्राम पर मिलना है तो भाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और आपको जो भी बातें करनी है आप मुझसे बातें कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अगर आपको नया फ़ोन लेने वाले हो तो भाई एक बार ज़रूर आप मेरी राय ले सकते हो, मैं बता दूंगा आपको भाई आपको कौन सा फ़ोन ख़रीदना है। आपका जो भी बजट हो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। कुछ भाई कमेंट करते हैं भाई पबजी के लिए कौन सा फ़ोन अच्छा है, तो भाई ऐसे मैं आपको नहीं बता पाऊंगा जब तक आप मुझे आप अपना बजट नहीं बताओगे। जी हाँ दोस्तों, आप कमेंट करिए भाई मेरा बजट इतना है, मुझे कौन सा फ़ोन ख़रीदना चाहिए, तो भाई उसी के हिसाब से मैं आपको फ़ोन बता दूंगा। अगर बात करें भाई वीवो वाई 19 की फ्री फायर गेमिंग के लिए, तो फ्री फायर में आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो स्क्रीन पर। तो फ्री फायर के फ़ोन काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेता है फ्री फायर के अंदर, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं मिलने वाली है। लेकिन मैंने आपको बता दिया आपको ये फ़ोन नया नहीं ख़रीदना है, क्योंकि इसका प्राइस 18,000 है, और 18,000 में तो आपको पोको X3 प्रो मिल जाएगा, जिसमें आप कोई सा भी गेम खेलिए, काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन है। जी हाँ दोस्तों, पोको X3 प्रो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आप उस फ़ोन को भी खरीद सकते हो। चलिए आगे वीडियो को देखते रहिए, अगर मुझे आगे कोई भी दिक्कत इसमें फ्री फायर में मिली तो मैं आपको बताकर जरूर जाने वाला हूँ।
दोस्तों फोन ने फ्री फायर को काफी अच्छे से हैंडल किया। अगर आप इस फोन में फ्री फायर खेलना चाहते हो बिल्कुल खेल सकते हो, फ्री फायर में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप 1 घंटे 2 घंटे तक भी फ्री फायर इसमें खेल सकते हो। भाई फोन अच्छा, मैं फोन को ज्यादा बेकार नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ प्राइस के हिसाब से इस फोन का प्रोसेसर आपको उतना अच्छा नहीं दिया गया है, सिर्फ यही थोड़ी सी कमी है। अगर इस फोन का प्राइस होता 12,000 तक, जी हाँ दोस्तों अगर 12,000 तक भी होता तो ये फोन काफी अच्छा था। बैटरी भी काफी अच्छी है, लुक काफी अच्छी है और आपको कैमरे भी ठीक ठाक दिए गए हैं। तो भाई इसका प्राइस थोड़ा हाई है, बस उसी हिसाब से फोन मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इस विषय में आपकी क्या राय है भाई कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी पता चल जाए ये फोन कितना अच्छा है आपके लिए और कितना अच्छा नहीं है, और आपके हिसाब से ये फोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और 18,000 में आपके अकॉर्डिंग कौन सा फोन अच्छा रहेगा गेमिंग के लिए, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपके सभी के कमेंट पढ़ता हूँ और जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी कमेंट पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में कुछ इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।